हेलो एंड वेलकम टू ऑल टू दिस चैनल डियर स्टूडेंट्स यही वीडियो रे आम तुम इंग्लिश नॉन डिटेल स्टडीज रो लास्ट चैप्टर ए ग्रेन आज बिग आज ए हेन्स एग विषय पढ़ा ये तुम लास्ट चैप्टर आगुरी तीनो चैप्टर ए टाइगर इन द हाउस द बेगार द विलेज जज अपलोड हो सारी तुम नॉन डिटेल स्टडी रु 10 मार्क क्वेश्चन आसा लास्ट चैप्टर तेणु वीडियो को लास्ट पर्यंत देखी लाइक कमेंट आउ शेयर करिया के भी भूलिबनी ताले वीडियो हमें स्टार्ट करिबा विषय हूँ ए ग्रेन आज बिग आज ए हेन्स एग जहाँ को लिखिंट लियो टॉल्स्टॉय ताले विषय देखिबा वन डे सम चिल्ड्रेन फाउंड इन ए रेविंग ए थिंग शेप्ड लाइक ए ग्रेन ऑफ कॉर्न विथ ए ग्रुप डाउन द मिडिल वन डे सम चिल्ड्रेन फाउंड हु फाउंड को माने पाइले सम चिल्ड्रेन फाउंड किछि पिला माने पाइले इन ए रेविंग गोटे रेभिन रु रेभिन माने होचे डीप न्यारो भाली गभीर उपत्यकार अंचल रे ए थिंग सेव लाइक ए ग्रेन ऑफ कॉर्न गोटे ग्रेन ऑफ कॉर्न भली गोटे जिनस पाइले विथ ए ग्रुप डाउन द मिडिल ग्रुप मीन्स लाइन गोटे लाइन थिला बा गोटे गार थिला डाउन द मिडिल मझिरे बट आज लार्ज आज ए हेन्स एग किंतु हेन्स एग बा कुकुड़ार अंडा भलिया बड़ थिला बुझी होची हु फाउंड ए ग्रेन लाइक थिंग आम आंसर कहवा सम चिल्ड्रेन व्हेयर डिड दे फाउंड सच ए थिंग ना दे फाउंड सच ए थिंग इन ए रेविंग गोटे रेविंग रु बुझी ए ट्रैवलर पासिंग बाय सॉ द थिंग हु सॉ द थिंग ए ट्रैवलर पासिंग बाय सॉ द थिंग बॉट इट फ्रॉम द चिल्ड्रेन फॉर ए पेनी पिलामंठर गोटे पेनी देकी पेनी गोटे प्रामाणिक मुद्रा देकी किनी देले बॉट इट फ्रॉम द चिल्ड्रेन फॉर ए पेनी एंड टेकिंग इट टू टाउन कौन नहीं गलता को टेकिंग इट टू टाउन सोल्ड इट टू द किंग आज ए क्यूरियोसिटी उत्सुकतार सहित बा जिज्ञासार सहित राजा को बिकिदेले हु डिड ही सेल दिस थिंग ना टू द किंग बुझी यार क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास अपलोड हम वीडियो को लास्ट पर्यंत देखा द किंग कॉल्ड टुगेदर हिज वाइज मैन हुम डिड द किंग कॉल द किंग कॉल्ड टुगेदर हिज वाइज मैन राजा वाइज मैन को डकैले ज्ञानी लोक मानू एंड टोल्ड देम एवं से कहले टू फाइंड आउट व्हाट द थिंग वाज से जिनसटी कौन खोजापी द वाइज मैन पंडर्ड एंड पंडर्ड मीन्स सर्च्ड एंड सर्च्ड से ज्ञानी लोक मैंने खोजिले बहुत खोजिले एंड कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट टिल वन डे व्हेन द थिंग वाज लाइंग ऑन ए विंडो सिल ए हेन फ्लू इन एंड पेक्ड एट इट टिल सी मेड ए होल इन इट एंड देन एवरीवन सॉ दैट इट वाज ए ग्रेन ऑफ कॉर्न बुझेला द वाइज मैन पंडर्ड एंड पंडर्ड वाइज मैन मैंने खोजिले सबुआड़े किंतु किसी पाइले ना से जिनसटा कौन बोली जापारे ना कि व्वेन द थिंग वाज लाइंग अन् ए विंडो सिल झरका कडर जो थुआ ही से जिनसटी ए हेन फ्लू इन गोटे हेन गोटे कुकुड़ा उड़ी आसला एंड पेक डाट इट तापर खुंपा मारला जितेबले समस्त भाविले जे इट वाज ए ग्रेन ऑफ कॉर्न एवरीवन सॉ दैट इट वाज ए ग्रेन ऑफ कॉर्न बुझी के कन्सीडर कराला से ग्रेन ऑफ कॉर्न बोली व्वेन ए हेन फ्लू इन एंड पेक डाट इट व्वेन द थिंग वाज लाइंग अन् ए विंडो सिल द वाइज मैन वेन टू द किंग एंड सेट इट इज ए ग्रेन ऑफ कॉर्न इट इज ए ग्रेन ऑफ कॉर्न यह गोटे शस्यर दाना बा मंजी बोली कही वाइज मैन क्या ना टू द किंग बुझेगा दुटा पाराग्राफ नेक्स्ट पाराग्राफ देखा आट दिस् द किंग वाज मच सरप्राइज एक कथा राजा बहुत आश्चर्य हो गले एंड हि ऑर्डर्ड द लॉन्ड मैन टू फाइंड आउट व्वेन एंड व्वेयर सच कॉर्न हैड ग्रोन एवं से आदेश दे लॉन्ड मैन मानक शिक्षित लोक मानक खोजापी से जिनसटी केवठार एवं केतबेले क्यों समय बिलरे चाष होता बिलरे अमल होता द लॉन्ड मैन पंडर्ड एगेन लॉन्ड मैन मैंने सर्च्ड एगेन पुणि थे खोजिले एंड सर्च्ड इन देयर बुक्स बही मानक खोजिले बट कुड नॉट फाइंड नथिंग अबाउट इट किंतु किछि पाइले नाही ता विषय रे सो दे रिटर्न टू द किंग एंड सेड तेणु से माने राजा पाखु रिटर्न करिगले फेरीगले एवं कहिले वी कैन गिव यू नो आंसर आमे किछि उत्तर दे परिबू नाही देयर इज नथिंग अबाउट इट इन आवर बुक्स आम बही रे ए विषय रे किछि देइने यू विल हैव टू आस्क टू द पीजेंट्स परहैप्स सम ऑफ देम मे हैव हर्ड फ्रॉम देयर फादर्स व्हेन एंड व्हेयर ग्रेन ग्रू टू सच ए साइज बेटर हम भल हम आम पिजाट मान पचार चाषी बा कृषक मान पचार परहाप्स बोध हुए सम अफ देम मे हाव हार्ड बोध हुए भितर केत शुणी थे फ्रम देयर फादर्स बापा ठार्
व्वेन आंड व्वेयर सच ग्रेन ग्रीव टू ए सैज क्योंठे केतबाला से शस्यटी बढ़ीला एत बड़ हो सो द किंग गेव ऑर्डर्स दैट सम भेरी ओल्ड पिजांट सुड बी ब्रॉट बिफोर हिम तेणु राजा कौन कले आदेश दे क्या सम भेरी ओल्ड पिजांट किसी पुराणा चाषी मान सुड बी ब्रॉट डक आने पठाला किसी पठे लोक बिफोर हिम तक सम्मुख को किसी पिजांट मान डकैले राजा निजे आदेश दे डकैवाई आंड हि सर्भेन्ट्स फाउंड सच ए मैन और सर्भेन्ट मैंने कर्मचारी मैंने एमती किसी लोक पाइले गोटे लोक को आंड ब्रॉट हिम टू द किंग राजा पाखु नहीं आसे से ओल्ड आंड बेंट था से बहुत वृद्ध होता और अंटा बंका होता ओल्ड आंड बेंट आसीपेल सामान्य मलिन देखा क्लांत जना पड़ा कहींपर आंड टूथलेस दात तार आपियरेन्स मन रखा ओल्ड आंड बेंट आसीपेल आंड टूथलेस हि जस्ट मैनेज्ड विथ द हेल्प अफ टू क्रचेस मन रखा फास्ट ओल्ड मैन जी आसाला से टू क्रचेस दीटा आशावाड़ी नहीं कि आसी टू टोटर इन टू द किंग्स प्रेजेंट धीरे धीरे छोटे छोटे राजा सम्मुख को आसी किए ना द फास्ट पिजांट बा द ओल्ड मैन कहींपर द किंग शोड हिम द ग्रेन राजा ताको शस्य देखाइले बट द ओल्ड मैन कुड हार्डली सीड से बहुत कम देखी पड़ता से वृद्ध लोकटी फास्ट ओल्ड मैन टी हि टूक इट हाउएवर आंड फेल्ट इट विथ हिज हैंड्स से नेला एवं हाथ में सामान्य अनुभव कला द किंग क्वेश्चन हिम सेइंग कैन यू टेल अस ओल्ड मैन व्वेयर सच ग्रेन आज दिस ग्रीव राजा ताको क्वेश्चन कले तुम्हें यह शस्य के देखी कि आगु हाव यू एवर बट सच कर्न और सोन सच इन योर फिल्ड्स हाव यू एवर बट तुम्हें एमती के आगु कि सच कर्न यही शस्यर दाना और सोन कि बिल अमल कर इन योर फिल्ड्स बिल रोपण कर द ओल्ड मैन व्वाज सो डेफ दैट हि कुड हार्डली हियर व्हाट द किंग सेड से ओल्ड मैन टी एत काल थिला सो डेफ दैट हि कुड हार्डली हियर राजा कौन कहते से बहुत कम शुणीपुर आंड ओनली अंडरस्टुड विथ ग्रेट डिफिकल्टी एवं बहुत कष्ट बुझिला ओनली अंडरस्टुड विथ ग्रेट डिफिकल्टी नो हि आंसर्ड आट लास्ट शेष से उत्तर देला नो ना बोली कहला आई नेभर सोड नर रिप्ड एनी लाइक इट इन माई फिल्ड्स ना मुझे एमती बिल बुणी कि अमल करमती मो बिल नर डिड आई एभर बाय एनी सच ना केमती किनी व्वेन वी बट कर्न द ग्रेन्स वे आर अलवेज आज स्मल आज दे आर नाउ जिते आम शस्य किणुलु एवं जमी अच्छे सेमती बट यू माइट आस्क माई फादर बेटर हम यू आस्क माई फादर मो बापा को पचार हि मे हाव हार्ड व्वेन सच ग्रेन ग्रीव से काले जानते केत शस्यटी बढ़ी सो द किंग सेंड फॉर मीन्स कॉल्ड तेनाली राजा डकई पठेले द ओल्ड मैन्स फादर द ओल्ड मैन्स फादर व्वाज ब्रट ताक अणाला आंड हि व्वाज फाउंड आंड ब्रट बिफोर द किंग से राजा निकट को आणिले हि केम वाकिंग विथ वन क्रच मन रखा तार सन् जीए तार सन् ये सेकेंड ओल्ड मैन आसला तार सन् जीए विथ टू क्रचेस आसाला दुईटा आशावाड़ नहीं आसाला बट हिज फादर केम वाकिंग विथ वन क्रच मन रखा इम्पोर्टाट ताकि गोटे आशावाड़ नहीं आसला टी नर्माल टे नर्माल कथी मन रखा द किंग सोड हिम द ग्रेन राजा ताको शस्य देखाइले आंड द ओल्ड मैन आंड द ओल्ड पिजांट हु कैन स्टिल एबल टू सी एवं जे तथापि देखिपुला टू के गुड लुक आट इट भल भाव नजर पकड़ा देखला आंड द किंग आस्क्ड भाव सेम क्वेश्चन पचार थे ना डिफरेन्ट क्वेश्चन पचार थे द किंग आस्क्ड सेम क्वेश्चन राजा तक से ही प्रश्न पचारे कैन यू नॉट टेल अस ओल्ड मैन व्वे आर कॉन लाइक दिस यूज टू ग्रो तुम्हें कौन भी कहींपर ना कि यह शस्य कौटे बढ़ी हाव यू एवर बट एनी लाइक इट और सोन एनी इन योर फिल्ड्स तुम्हें के देखी किनीच कि बिल अमल कर बुझे यहाँ आम फास्ट पार्ट सरीगला आर कंप्रेशन चेक जो क्वेश्चन आंसर देखा पचार दे तुम्हें आंसर देवाई चेष्टा कर बही देखिकी फास्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट डिड द चिल्ड्रेन फाइंड इन द रेभिन आंसर हम द चिल्ड्रेन फाउंड ए स्ट्रेंज ग्रेन अफ कर्न आज बिग आज हेन्स एग इन द रेभिन बुझे द चिल्ड्रेन फाउंड पे स्ट्रेंज ग्रेन अफ कर्न आज बिग आज हेन्स एग इन द रेभिन हाउ डिड द वाइज मैन नो दैट इट वाज ए ग्रेन अफ कर्न केमती जान लें यहाँ गोटे ग्रेन अफ कर्न बोली ना वन डे द वाइज मैन स कौन देखे ना ए हेन फ्लाइंग आंड पेक आट द ग्रेन अफ कर्न लाइंग अन ए विंडो सिल देन इट वाज फाउंड टू बी ए ग्रेन अफ कर्न बुझे नंबर थ्री व्हाट डिड द किंग डू टू कलेक्ट इनफर्मेसन अबाउट द ग्रेन इनफर्मेसन कलेक्ट करने राजा कौन कले ना द किंग कौन कले
The king called ordered the laundryman to find out when and where such grain had grown. Number 4, could the laundryman find out the answer? No, the laundryman could not find the answer. What was their suggestion? Takar prastav kon thila? They suggested to the king to ask the peasants. Mane koithile je better hobo apan peasants ko pacharantu. They suggested to the king to ask the peasants. Number 5, what was the king's question to the old peasant who came first? Je pratham asithila ताको कौन राजा पचार थिले ना द किंग्स क्वेश्चन टू द ओल्ड पीजेंट हु केम फास्ट वाज व्हेयर सच ग्रेन एज दिस ग्रू कोठी एवला शस्य बढीतिला बा व्हेन एंड व्हेयर सच ग्रेन्स एज दिस ग्रू हैव यू एवर बॉट सच कॉर्न और सोन सच इन योर फील्ड्स तुम आगर के बा को अमल करिछ कि मा बिलरे रोपण करिछ कि बुनिछ कि एवला क्वेश्चन पचारले नंबर 6 देखिबा वाज ही एबल टू हियर एंड सी देखे उस समर्थ ला कि हम पढिले नो ही वाज नॉट एबल टू हियर एंड सी What was his answer? कौन से उत्तर दला ना he replied to the king that he never sowed nor reaped any like in his fields nor did he ever buy any such बुझे उची यार उत्तर दला number 7 how did the old peasant's father come to the king old peasant रो बापा केम त्याग थला हमें से उसे देखी बा was he able to see से देखिए वो समर्थ थला कि the old peasant's father came to the king with वन क्रच गोटे आशावाड़ी नहीं आसला ये सीवाज एबुल टू सी से देखिए समर्थ थिला ये सीवाज एबुल टू सी बुझी तापर आम नंबर 8 देखा नंबर 2 पढ़ापी पढ़वा आमको नंबर सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट को दो द ओल्ड मैन वाज रादर हार्ड ऑफ हियरिंग जदियो से ओल्ड मैन टी कम शुणी पारुला स्टिल हार्ड बेटर देन हि सन हार्ड डन ता पुओ अपेक्षा से भल शुणी पारुला स्टिल हार्ड बेटर देन हि सन हार्ड डन नो हि सेड से कहला नो आई नेभर सोड न रिप्ड एनी ग्रेन लाइक दिस इन माई फिल्ड मुना एमती केवे अमल करछि कि ना बुणी एभलिया शस्य मो बिल आज टू बाइंग किणवा कथा जी आप कहते आई नेभर पट एनी फर इन माई टाइम मनी वाज नट येट इन यूज मन रख मनी से समय आम व्यवहार हो नाला क्या समय रे? ना अब द सेकेंड ओल्ड मैन्स टाइम सेकेंड ओल्ड मैन बा द पीजेंट्स फादर द ओल्ड मैन्स फादर ताक समय मने व्यवहार हो ना क्वेश्चन आसे एव्री वन ग्रीव हिज ओन कर्न समस्ते निज निजर शस्य अमल करुले एंड व्वेन देर व्वाज एनी नीड दरकार पड़ा बेले वी सेयर व्विथ वन अनादर आम परस्पर सहित सेयारिंग करूँ दियानिया करूँ आई डू नट वाट डू नट नो व्वेयर कर्न लाइक दिस् ग्रीव मुझे ना से समय ये शस्य बढ़ु नाला कहींपरि ना कौटी बढ़े बोली आवर्स व्वाज लार्जर एंड इल्डेड मोर फ्लोर दैन प्रेजेन्ट डे ग्रेन आम से अधिक अमल होता अधिका फ्लोर बा गहम अमल होता बट आई नेभर स इन लाइक दिस् कि एमती शस्य मुझे देखिना आई हाव हावेभर हार्ड माई फादर से दैट इन हिज टाइम द ग्रेन ग्रीव लार्जर एंड इल्डेड मोर फ्लोर दैन आवर्स किंतु मुझे शुणी मो बापा से कहते से बड़ बड़ शस्य अमल होता बोली यू हाड बेटर आस्क हिम मन रखा यू हाड बेटर आस्क हिम व्वाज द पर्सन अफ सेकेंड ओल्ड मैन और द पीजेंट्स फादर बुझी फास्ट ओल्ड मैन्स फादर ये सेकेंड ओल्ड मैन रहा कहा से कहले यू हाड बेटर आस्क हिम भल हम मो बापा पचार ताले सो द किंग सेंड फर द ओल्ड मैन्स फादर तेणु राजा से ओल्ड मैन्स फादर मानने थर्ड ओल्ड मैन कथी आसल तीन जन ओल्ड मैन कथा पढ़ुचे फास्ट आसला टू क्रचेस से बहुत कम शुणी पार्ला कम देख पार्ला तापर तार फादर को डकाला ता फादर टी बेटर शुणी पार्ला पुओं भल शुणी पार्ला भल देख पार्ला सी कितु कहला भल हम मो बापा को डाक बोली तेणु थर्ड ओल्ड मैन को डकाला जी कि सी फास्ट ओल्ड मैन ग्रैंड फादर थी सेकेंड ओल्ड मैन फादर थी बुझ पार्छ एंड दे फाउंड हिम टू से पाइले एंड ब्रॉट हिम बिफोर द किंग राजा पाक को डक पठेले हि एंटर्ड वाकिंग इजिली से बहुत सहजरे आसला एंड विदाउट क्रचेस एवं बिना आशावाड़ी आसला हिज आई वाज क्लीयर ताकि स्पष्ट था हिज हियरिंग गुड से भल देख पार्ला एंड स्पोक डिस्टिंक्टली एवं क्लीयरली डिस्टिंक्टली से कही पार्ला द किंग सोड हिम द ग्रेन से शस्यटी देखेले एंड द ओल्ड ग्रैंडफादर लुक्ड एट इट एवं से ओल्ड ग्रैंडफादर मैं भल भाव देखला एंड टर्न्ड इट अबाउट इन हिज हैंड मन रखा एवं हाथ में बुलेला बुले बुले देख ला जिनटी कौन टर्न्ड इट अबाउट हिज हैंड हाथ में अनुमान कला इट इज लॉन्ग सिंस आई सॉ सच ए फाइन ग्रेन सेड ही
তাহলে তো থার্ড ওল্ড ম্যান বা তো ফার্স্ট ওল্ড ম্যানস গ্রান্ডফাদার কোন কহিলা, ইট ইজ লং সিন্স আই স সচ এ গ্রেন আ ফাইন এ গ্রেন, মুই এবার সুন্দর শস্য বহুত দিন পরে দেখিলি। আন্ড হি বিট এ পিস অফ চিকেন, কামুড়ি দেলা, আন্ড টেস্টেড ইট, এবং তাকে টেস্ট কলা, তাকে চাখিলা। ইট ইজ দ ভেরি সেম কাইন্ড, হি আডেড, সে কহিলা হ্যাঁ সেইভাবে ঠিক আছে, ইট দ ভেরি সেম কাইন্ড আর দ পর্সন অফ থার্ড ওল্ড ম্যান বা দ ফার্স্ট ওল্ড ম্যানস গ্রান্ডফাদার, সেকেন্ড ওল্ড ম্যানস ফাদার। টেল মি গ্রান্ডফাদার, সেট দ কিং, তাহলে রাজা পচারে, টেল মি গ্রান্ডফাদার হোয়েন আন্ড হোয়ার্স ওয়াজ সচ কর্ন গ্রোন, কেউ জায়গার সেমি শস্য অমল হোলা, হ্যাভ ইউ এভর বট এনি লাইক ইট অর সোন এনি ইন ইয়র ফিল্ডস, এভাবে শস্য তুমি অমল করছো কিংবা বিলরে কি বুণিছ কি। তাপরে থার্ড ওল্ড ম্যান কো আনসর দেলে, আন্ড দ ওল্ড ম্যান রিপ্লাইড, কর্ন লাইক দিস ইউজ টু গ্রো এভ্রি হোয়ার ইন মাই টাইম, মনে রাখবা ইন মাই টাইম, মো সময়ের এইভাবে শস্য সবুলে অমল হোক। আই লিভড অন কর্ন লাইক দিস ইন মাই ইয়ং ডেজ, লিভড অন মিন্স ইট, মানে খাওয়া এইভাবে শস্য পিলাবেলে, আন্ড ফেড অদর্স অন ইট, এবং অন্যমানকে খুয়াউলি, ইট ওয়াজ গ্রেন লাইক দ্যাট উই ইউজ টু সো আন্ড রিপ আন্ড থ্রাস, এইভাবে শস্যকে আমি কোণ করলু না উই সো আমি বুণুলু রিপ অমল করলু আন্ড থ্রাস বা আমি এতে খেলুলু। আন্ড দ কিং আস্ক, রাজা পচারে, টেল মি গ্রান্ডফাদার ডিড ইউ বাই ইট এনি হোয়ার অর ডিড ইউ গ্রো ইট অল ইউর সেলফ, তুমি একে কিণুলো না নিজে অমল করুলো। দ ওল্ড ম্যান স্মাইল্ড, মনে রাখবা সেই ওল্ড ম্যানটি হসিলে সেতবে, ইন মাই টাইম হি আনসর্ড, এইটি বহুত কোশ্চিন ইম্পর্টাট কোশ্চিন অনেক পরীক্ষা আসব মনে দিয়ে শুণ, ইন মাই টাইম হি আনসর্ড নো ওয়ান এভর থট অফ সচ এ সিন আজ বাইং অর সেলিং ব্রেড, মনে রাখবা বাইং অর সেলিং ব্রেড ইজ এ সিন, তাকে কহবা অনুসারে এইটা গোটে পাপ অটে, বাইং অর সেলিং ব্রেড শস্য কিনা বিকা করা, আন্ড উই নিউ নথিং অফ মনি, এবং আমি টঙ্কা কিছু কোণ জানুল, টঙ্কা কোণ আমি জানুলু, ইজ ম্যান হার্ড এনফ অফ ইজ কন অফ ইজ ওন, সমস্ত বহু গুড়িয়ে শস্য লা নিজের। দেন টেল মি গ্রান্ডফাদার আস্ক দ কিং, হোয়ার ওয়াজ ইউর ফিল্ড, হোয়ার ডিড ইউ গ্রো কর্ন লাইক দিস, তাপরে রাজা পচারে তোমার ফিল্ড কেউটি সেতবে, কেউটি এইভাবে শস্য অমল করুলো, আন্ড দ গ্রান্ডফাদার আনসর্ড, ভেরি ভেরি ইম্পর্টাট, গ্রান্ডফাদার আনসর দেলে, মাই ফিল্ড ওয়াজ গডস আর্থ, মাই ফিল্ড ওয়াজ গডস আর্থ, ভগবানকর ভূমি বা ঈশ্বরের ভূমি হচ্ছে মো ক্ষেত, হোয়ার এভর আই প্লগড দেয়ার ওয়াজ মাই ফিল্ড, যেটি মু হল কলি সেইটা হি মোর ক্ষেত লা, ল্যান্ড ওয়াজ ফ্রি, জমি মুক্ত লা, মাগণা লা, যে যেটি পাইব চাষ করে পড়ু লা, ইট ওয়াজ এ থিং নো ম্যান কল্ড হিজ ওন, মনে রাখবা এটা ইট ওয়াজ এ থিং, কেউ থিং না ল্যান্ড, জমি গোটে জিনিস লা যাকে লোক মানে মোর মোর বলে কু ন, লেবর ওয়াজ দ ওনলি থিং ম্যান কল্ড দেয়ার ওন, ড্যাশ ওয়াজ দ ওনলি থিং, লেবর ওয়াজ দ ওনলি থিং ম্যান কল্ড দেয়ার ওন, গোটে মাত্র লেবর পরিশ্রম যে জিনিসটি লা সমস্ত কুলে যে এটা মুছি বলে, কিন্তু ল্যান্ড ওয়াজ ফ্রি, ল্যান্ড কু কু নি কে মোর বলে, আনসর মি টু মোর কোশ্চিনস সেট দ কিং, রাজা পচারে তাহলে আউ দুইটা কোশ্চিনের উত্তর দিও, দ ফার্স্ট ইজ হাই ডিড দ আর্থ বিয়র সচ গ্রেন দেন আন্ড হাজ সিজ টু ডু সো নাও, কাহিকি ধরিত্রী বা পৃথিবী আগর অতীতরে এতে বিরাট বিরাট শস্য উৎপাদ করুলা এবং এইভাবে শস্য ফলাইবা কাহি এবে বন্ধ করে দিয়েছি। আন্ড দ সেকেন্ড ইজ, এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ইয়োর গ্রান্ডসন ওয়াক্স উইথ টু ক্রচেস, এটাকে মনে রাখবা, ইয়োর গ্রান্ডসন তোমার নাতি বা ফার্স্ট ওল্ড ম্যান ওয়াক্স উইথ টু ক্রচেস, সে দুইটি আশাবাড় ধরে আসি, আন্ড ইয়োর সন উইথ ওয়ান, তোমার পুয়া গোটিয়ে, আন্ড ইউ ইয়োর সেলফ উইথ নন বা উইদাউট ক্রচেস, আমি পড়লে বিনা আশাবাড়ে সে আসি, ইয়োর আইজ আর ব্রাইট, তোমার আখিগুড়ি ভালো দেখা হচ্ছে, আখিগুড়ি ব্রাইট অছি, উজ্জ্বল অছি, ইয়োর টিথ সাউন্ড, দাঁত বি ঠিকঠাক অছি, আন্ড ইয়োর স্পিচ ক্লিয়ার, এবং তোমার ভয়েস মধ্যে সুর মধ্যে স্পষ্ট অছি, আন্ড প্লিজেন্ট টু দ ইয়র কানকে ভালো শুভুছি, হাও হ্যাভ দিজ থিংস কম আউট, এমতি কেমতি হচ্ছে মতো টিকি উত্তর দেবে, আন্ড দ ওল্ড ম্যান আনসর্ড, এবং শেষে ওল্ড ম্যান আনসর দেছেন, দিজ থিংস আর সো, সেই জিনিসগুলো এভাবে, বিকজ মেন হ্যাভ সিজ টু লিভ বাই দেয়ার ওন লেবর, লোক মানে নিজের পরিশ্রম কু কমাই দেওয়া আরম্ভ কলে, সিজড মিন্স ডিক্রিজড, কমাই দেলে, আন্ড হ্যাভ টেকেন টু ডিপেন্ডিং অন দ লেবর অফ অদর্স, এবং অন্য লোক মানকর পরিশ্রমক মোর বলে কুচন, তাঁক উপরে নির্ভর করছেন অন্য মানকর পরিশ্রম উপরে, ইন দ ওল্ড টাইম, পুরা সময়ের দি লিভড আকর্ডিং টু গডস ল, মনে রাখবা দ ওল্ড পিপুল, পুরা লোক মানে লিভড আকর্ডিং টু গডস ল, ভগবানক নিয়ম মানে চলুলে, দে হ্যাড হোয়াট ওয়াজ দেয়ার ওন আন্ড কভেটেড নট হোয়াট অদর হ্যাড প্রডিউসড, কম্পিটেড মিন্স হোপড, সে নিজ
ଯେତିକି ଥିଲା ନିଜର ସେତିକି ନେଇ ଚଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦ କରୁଥିଲେ ତା ଉପରେ ଆଶା ରଖୁନଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଦେ ହାଡ଼ ହ୍ୱାଟ ୱାଜ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଆଣ୍ଡ କଭେଟେଡ଼ ନଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଅଦର ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଅମଳ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉତ୍ପାଦ ଭାବୁଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କଭେଟେଡ଼ ବା ନେଭର ହୋପ୍ଡ ତାକୁ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ପରିଶ୍ରମ କରି ଚଳୁଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଶା କରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫିଟ୍ ଥିଲେ। ଏବଂ ଏବେକାର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରୁ କିଛି କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଉଛି। ସାତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ହାଉ ବିଗ୍ ୱାଜ୍ ଦ କର୍ନ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ସ ଟାଇମ୍। ନା ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ସ ଟାଇମ୍ ଦ ଗ୍ରେନ୍ ଗ୍ରିଉ ଲାର୍ଜର୍ ଆଣ୍ଡ ୟିଲ୍ଡେଡ୍ ମୋର୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଅଦର୍ସ। ଅଧିକ ଅଟା ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିଲା ଗହମରୁ। ରିଡ୍ ଦ ଲାଇନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ସର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ବିଷୟରେ। ହି ଏଣ୍ଟର୍ଡ ୱାକିଂ ଇଜିଲି ଆଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ରଚେସ୍। ହିଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ କ୍ଲିଅର୍, ହିଜ୍ ହିୟରିଂ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ସ୍ପୋକ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟଲି। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର୍ସ ରିପ୍ଲାଏ ଟୁ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ? ନା ଇନ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଟୁ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର୍ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସିନ୍ସ ହି ସ ସଚ୍ ଏ ଫାଇନ୍ ଗ୍ରେନ୍। ଏଭଳି ଶସ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। କ'ଣ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଏଭ୍ରି ହୋୟାର୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍। ମନେ ରଖିବା, ଏଭ୍ରି ହୋୟାର୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଏଭଳି ଶସ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା। ଲିଭ୍ଡ ଅନ୍ କ'ଣ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ୟଙ୍ଗ୍ ଡେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେଡ୍ ଅଦର୍ସ ଅନ୍ ଇଟ୍। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିଲେ, ନିଜେ ବି ଖାଉଥିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେନ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସୋ ଆଣ୍ଡ ରିବ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରାସ୍। ତାକୁ ଅମଳ କରୁଥିଲେ, କାଟୁଥିଲେ, ବୁଣୁଥିଲେ। ଡିଡ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର୍ସ ଟାଇମ୍ ବାଏ ଅର୍ ସେଲ୍ ବ୍ରେଡ୍? ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ନୋ, ଦ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର୍ସ ଟାଇମ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ବାଏ ଅର୍ ସେଲ୍ ବ୍ରେଡ୍। ବିକଜ୍ କାହିଁକି ନା ଦେ ନ୍ୟୁ ନଥିଙ୍ଗ୍ ଏବାଉଟ୍ ମନି, ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ୱାଜ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍? ୟେସ୍, ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଫ୍ରି ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍। ସେ ଦ ଲାଇନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଜେଷ୍ଟ, ସେ ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଦ ଲାଇନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଜେଷ୍ଟ ଦିସ୍ ଲାଇନ୍, ମାଇ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ଗଡ୍ସ ଆର୍ଥ। ହ୍ୱାର୍ ଏଭର୍ ଆଇ ପ୍ଲଗ୍ଡ ଦେୟାର୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଫିଲ୍ଡ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଫ୍ରି। ଏଇଟା ବହିରେ ଅଛି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ୍ ନୋ ମେନ୍ କଲ୍ଡ ଦେୟାର୍ ଓନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ୱେୟାର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗ୍? କ'ଣଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଆର୍ଥ ବିୟର୍ ସଚ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଜ୍ ସିଜ୍ ଟୁ ଡୁ ସୋ ନାଓ? ଦ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱାଜ୍, ହ୍ୱାଇ ୟୋର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ୍ ୱାକ୍ସ ୱିଥ୍ ଟୁ କ୍ରଚେସ୍, ୟୋର୍ ସନ୍ ୱିଥ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ନନ୍। ବୁଝିହେଉଛି? ତା'ପରେ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଡିଡ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଗିଭ୍? କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ, ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେଆର୍ ସୋ ବିକଜ୍ ମେନ୍ ହାଭ୍ ସିଜ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ବାଏ ଦେୟାର୍ ଓନ୍ ଲେବର୍ ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ଟୁ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦ ଲେବର୍ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ। ଇନ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଟାଇମ୍ସ ଦେ ଲିଭ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଗଡ୍ସ ଲ, ଦେ ହାଡ଼ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦେୟାର୍ ଓନ୍ ଆଣ୍ଡ କଭେଟେଡ଼ ନଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଦର୍ସ ହାଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା? ଗ୍ଲୋସରି ବି ଦେଖିଦିଅ, ବହୁତ କମ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି। ରେଭିନ୍ ମିନ୍ସ ଏ ଭେରି ଡିପ୍ ନ୍ୟାରୋ ଭେଲି, ଗୋଟେ ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକା। ଗ୍ରୁପ୍ ମିନ୍ସ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ନ୍ୟାରୋ ଡିପ୍ ଲାଇନ୍ କଟ୍ ଇନ୍ ଏ ସର୍ଫେସ୍। ପଣ୍ଡର୍ଡ ମିନ୍ସ ଥଟ୍ କେୟାରଫୁଲି, ଭାବିଲେ ବା ଚିନ୍ତା କଲେ। ସିପିଲ୍ ମିନ୍ସ ଅନହେଲ୍ଦି, ଅସୁସ୍ଥ। ଟୋଟର୍ ମିନ୍ସ ଟୁ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଅନ୍ଷ୍ଟଡି ୱେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆସିବା। ଥ୍ରାସ୍ ମିନ୍ସ ଟୁ ବିଟ୍ ରିପିଟେଡ଼ଲି, କାଟିବା ବା ବାରମ୍ବାର ବାଡ଼େଇବା। ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ଟୁ ଆର୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ଼ ଟୁ ଅର୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ, ପସନ୍ଦ କରିବା। କଭେଟେଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଡିଜାୟର୍ ଟୁ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଅଦର୍ସ। ଅନ୍ୟର ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ ତା ଉପରେ ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ କହୁଛି କଭେଟେଡ଼। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି। ବହୁତ ଟିକି ନିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍, ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱେଟ୍ କରିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ କର, କାରଣ ତୁମେ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ର ଚାରିଟା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ, ଚାରିଟା ଏକ ଚାପ୍ଟର୍, ସରି ଚାରିଟା ଏକ ଚାପ୍ଟର୍ ଏଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ତୁମ ଉପରେ କେବଳ ରହିଲା, ତୁମେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେତେ ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖିବ। ସେଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।